मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को जम्मू कश्मीर में बंद किए हुए अब 7 महीने होने जा रहे हैं, कोई वजह नहीं दी जा रही है। जिन रियासतों में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, हालात खराब हैं, वहाँ भी इंटरनेट सेवाएं जो है वो चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहाँ इतने लंबे अंतराल के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जेस पूरे लिए जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स, बल्कि बढ़ा दिए गए हैं चार्जेस, और उन सेवाओं के लिए चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं जो सेवाएं दी नहीं जा रही हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है नहीं, लेकिन उनके नाम पर पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक स्कैम, जिसकी तरफ संज्ञान जो है वो लेना होगा। जो है यहाँ की जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि ये देखिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ, ये तो एक लूट हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे अंतराल के लिए आप इंटरनेट सेवाओं को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईनी अधिकार है इंटरनेट का भी। और जिस तरीके से आपने डिप्राइव किया है लोगों को इससे, विद्यार्थियों को, ट्रेडर्स को, युवाओं को, प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और आम जनजीवन इसकी वजह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इंटरनेट जो है एक नेसेसिटी आज के जमाने में बन चुकी है। तो सरकार को इसकी तरफ न केवल तवज्जो देनी होगी इसको रिस्टोर करने के लिए, बल्कि जो चार्जेस मोबाइल इंटरनेट कंपनीज ले रही हैं उनको भी आपको जो है उसके ऊपर नजरसानी करनी होगी, ताकि इस लूट खसूट के धंधे को बंद किया जा सके।